अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एडवांसली रमज़ान मुबारक। आज मैं बनाने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल चाट मसाला, जो घर के चीज़ों से बना हुआ है। उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि मैंने क्या क्या डाला है, डाल रही हूँ। ये है सौंफ, थोड़ी सी सफ़ेद ज़ीरा, टाटरी, काली मिर्च का पाउडर, 15 से 10 लौंग, आमचूर का पाउडर, काला नमक, आम रेगुलर नमक, कड़ी पत्ता, ताज़ा कड़ी पत्ता लेकर उसको मैंने सुखाया है। सुखा के फिर उसको मैंने हाथ से मसल दिया है, वो इस तरह बन गया है। और दालचीनी का पाउडर, सुंड यानी कि अदरक, ताज़ी आजकल ताज़ी अदरक आ रही है, उसको आप कद्दूकश करके उसको आप धूप में फैला दें तो ये सूख जाएगी और लकड़ हो जाएगी, और इसका ये घर का पाउडर बना हुआ है अदरक का, इस तरह शेप में आ जाएगी। ये साबुत धनिया का पाउडर है और पुदीने के भी आजकल ताज़ी गठियाँ आ रही हैं, उसकी एक गठी मैंने लेकर उसको अच्छी तरह सुखा लिया है और टहनियाँ निकालनी हैं और पत्ते इसको अच्छी तरह सुखा लिए हैं। और ये है पुदीना, सुखा हुआ पुदीना। अब मैं ये सब चीज़ों को मिक्स करके अपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी, फिर उसको अच्छी तरह छानी की मदद से खुले बर्तन में उसको छान लूँगी। आए मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक ग्राइंडर जार में, उसमें मैंने पुदीना, जो साबुत पुदीना पिसा हुआ है, वो थोड़ा सा वो अदरक का पाउडर डाले लगी हूँ। अब ये सौंफ और ज़ीरा चला जाएंगे इसके अंदर। और ये जो 10 के 15 लौंग हैं, ये चले जाएंगे। पहले हम सारे चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। तो उसी टाटरी भी ऐड कर देंगे। मैं कुतरी लाल मिर्चें बताना भूल गई। कुतरी लाल मिर्चें लेने या साबुत लाल मिर्चें लेने, गोल वाली या तहाड़ मिर्चें जो होती हैं बड़ी वाली लंबी वाली वो, और अजवाइन थोड़ी सी हसबे ज़रूरत। मैं इसके अंदर कुतरी हुई लाल मिर्च एक प्याली, सफेद मिर्चों का पाउडर, लगभग 2 चम्मच सफेद मिर्चों का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और ये सारे नमक हसबे ज़रूरत जो हम रेगुलर नमक यूज़ करते हैं, काला नमक और टाटरी पाउडर, इन सब अच्छा को ग्राइंड कर लेंगे। कुछ इस तरह कुट जाएगा, उसको हम साबुत थोड़ा सा इनको ग्राइंड करके साइड पर रख देंगे, फिर इसके बाद सबको इकट्ठा ग्राइंड करेंगे। अब मैं कड़ी पत्ता, जो घर का ताज़ा कड़ी पत्ता होता है, उसको मैंने कुछ करके जो ग्राइंड किया था, पिसा हुआ था, वो दालचीनी का पाउडर,
सूंड अदरक जो मैंने सुखा के उसको हाथ से मसला है, अजवाइन थोड़ी सी डालनी है हमने, दरहन डालनी, और साबुत धनिया वो भी पिसा हुआ, साबुत भी हो तो कोई फर्क नहीं। अभी इन सब चीज़ों को भी मैं ग्राइंड करके इस तरह बड़े पराठे में पार्ट पार्ट करके बना लूँगी, फिर इसको इकट्ठा सबको ग्राइंड कर दूँगी। अब ये हमने सारी चीज़ें ग्राइंड कर ली हैं, अभी इसे चॉप चॉप ग्राइंड हुई हैं, कुछ कुछ चीज़ें साबुत साबुत नज़र आ रही हैं, इसको दो दफ़ा हमें ग्राइंड करना पड़ेगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल कैसे निकल आएगी। और ये बहुत मज़ेदार चाट मसाला बनता है, आप छोले जो चने चाट बनाते हैं उसमें फ्रूट चाट, दही बड़ों में भी जो हम पसंद करते हैं उसमें भी बहुत पसंद की जाती है चाट मसाला। मेरा ये चाट मसाला बहुत मशहूर है, जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर की है, होप सो आपको ये पसंद आए। सब मसाला चाट ग्राइंड करने के बाद, छानने के बाद, बारीक या मोटी छानी से छान लें इसको, छानने के बाद ये आपका चाट मसाला घर का बना हुआ ताज़ा तैयार हो जाएगा। आप चाहे दही बड़ी में डालें या फ्रूट चाट में, ये बेस्ट और बहुत टेस्टी चाट मसाला है, इसकी खुशबू ही इतनी ज़बरदस्त है। प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर माई रेसिपीज एंड कमेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।